Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. वीवीपैट की बात करी कि 10 महीनों से समय हम मांग रहे हैं, तो सिर्फ वीवीपैट की आपकी मांग है कि या ईवीएम पे जो छेड़खानी का आरोप अब तक विपक्ष लगाता है, क्योंकि ईवीएम पर सर जो चुनाव आयोग है ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में एक कैंपेन चलाकर लोगों को बता रहा है कि इसमें छेड़खानी संभव नहीं है। देखिए, पहले कई लोग मानते हैं कि हमें ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, ये पर ये स्टैंड नहीं है। 19 दिसंबर 2023 को जब इंडिया जनबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में, इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैन्युपुलेशन के खिलाफ है। ईवीएम के तो बड़ी भाषाएं हो सकती है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो सकता है और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैन्युपुलेशन भी हो सकता है, मैन्युपुलेशन के खिलाफ है। और कई ऐसे मिसाल, कई लोगों का अनुभव है, कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं से अगर आप बात करेंगे वही कह रहे हैं कि ये मैन्युपुलेशन का खतरा है और मैन्युपुलेशन किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वीवीपैट कहा था उन्होंने, वीवीपैट से नहीं इनकार किया, रैंडम सैंपल लेकर 5% वीवीपैट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो हम चाहते हैं 100% कीजिए, क्या है उसमें, आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कीजिए पर वीवीपैट भी हो। हम नहीं कह रहे हैं कि पेपर बैलेट में वापस जाइए, हम कह रहे हैं ईवीएम इस्तेमाल कीजिए पर 100% वीवीपैट हो, ताकि जो मतदाता है उनको थोड़ा विश्वास हो। कई लोगों में विश्वास नहीं है, मैं गया था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस पार्टी 20,000 25,000 30,000 के मार्जिन से जीत रही है, अभी 3,000-4,000 मार्जिन से हार रही है, बिल्कुल असंभव है। नहीं, परसेप्शन है, हमने तो एविडेंस दिया है, एक मोटा सा हमने दस्तावेज तैयार किया है जो हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा है और हमने मांग की कि 10-15 मिनट के लिए आप मिल लीजिए, उसमें क्या हर्ज है आप बताइए। हम बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है आ गया आपका मेमोरेंडम, वी विल स्टडी इट, बस उतना ही कहना है। वो औपचारिकता अभी नहीं कर रही है ना,